गाइज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है 19th अक्टूबर और आज व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट हो रहा है, 12 बजे हो रहा है, क्योंकि आज सुबह मतलब मेरे को थोड़ा सा ध्यान नहीं था और आज सुबह बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा था। मतलब ऐसे ऐसा टाइम ऐसे भाग रहा हो फटाफट, इस वजह से व्लॉग हमारा थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है। बट कोई बात नहीं है, फ्रूट्स का ब्रेकफास्ट किया था आज और कन्नू आज घर पे है क्योंकि आज उसने स्कूल की करी है छुट्टी, तो उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो अभी तो वो सो रहा है, अब पता नहीं कब जागेगा, देखते हैं। आज है हमारा प्लान लाजपत नगर जाने का, मम्मी और मेरा, लाजपत नगर या सरोजी नगर जो भी है, क्योंकि मम्मी को करनी है करवा चौथ की शॉपिंग। सिर्फ 10 दिन रह गए हैं शॉपिंग करवा चौथ आने में और बहुत लेट हो गई है इस बार वो शॉपिंग करने में, तो आज मैंने सोचा चलो उनको शॉपिंग में लेके चलते हैं। तो मतलब 4 बजे तक ही जाएंगे हम, तो अभी तब तक तो कुछ है नहीं करने को खास, तो बिग बॉस ही देख लेते हैं। अभी ऐसी हो रही है कि मैं बिग बॉस भी नहीं देख सकती क्योंकि वाईफाई नहीं चल रहा है। एयरटेल एक्सचेंज का फ़ोन आया है कि हमारी सर्विसेज थोड़ी डिले रहेंगी, 3:30 बजे रिज्यूम होगा, कुछ नहीं कर सकते अब, कुछ भी नहीं है करने को इस वक्त फिलहाल। बैल्कनी में खड़े होकर धूप सेक लेते हैं। कन्नू जी आ गए हैं, ये उठ गए हैं और नहा धो भी लिए हैं बढ़िया तरीके से। ये भी हनी सिंह का फैन हो गया, अभी हनी सिंह का गाना सुन रहा था थोड़ी देर पहले, है ना? अच्छा है ना हनी सिंह का गाना, अगर वो 2-3 बार ही अगर कोई बंदा सुन लेना तो यार वो मतलब वो लाइन ना रट जाती है मुंह पे, वो मजा आ जाता है ना। तेरे मुंह पे नहीं रटती क्योंकि तू बच्चा है। ज़्यादा बढ़िया हो गया ना कि यार अब एसी लाने की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम जो नेचुरल लाइट आ रही है, नेचुरल हवा आ रही है, उसमें इतना एक सुकून मिल रहा है ना कन्नू। ये तो फ़ोन में लगा है, इसको क्या पता नेचुरल लाइट नेचुरल आ रही हूँ। फिर तैयार होके हम निकलते हैं शॉपिंग की ओर। रेडी एकदम क्लिप क्लिप लगा के, हम मम्मी की वेट है, वो कह रही थी मैं तैयार हूँ, बस तू तैयार रही, वैसे चलेगी मैं तैयार हो गई हूँ, पर वो अब तैयार हो रही है। मम्मी आ भी यार। तो भाई फाइनली हम निकल गए अपना ऑटो लेके, उबर ऑटो लिया था मैंने, भैया ने यहाँ पे रोक दिया अपना पता नहीं क्या सामान लेने के लिए, दिमाग खराब। मेरी मम्मी हमारी जा रहे हैं। तो बस हम पहुँचने वाले हैं और थोड़ी दूरी के बाद सरोजनी नगर आ जाएगा, तो अभी तक तो हमें देखो जाम मिला नहीं है क्योंकि इस टाइम ट्रैफिक नहीं मिलता है, बट आते हुए आए गए हमको ट्रैफिक मिल सकता है, फिर भी चांसेस हैं। तो हम पहुंच गए हैं सरोजनी नगर, फाइनली चलते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है सरोजनी नगर में यार, हालत ख़राब है, फ़ोन भी नहीं उठा सकती, डर लग रहा है चोरी ना हो जाए। हम निकल गए हैं सरोजनी नगर से, कितने देर में हो गए मेरी शॉपिंग? 1 घंटे में हो गई, 4 बजे पहुँचे थे और 4 बजे के हिसाब से 4:30 हो रहे हैं अभी। हम पहुँचे थे 3:45 पे और अब हो रही है 4:30 बजे, तो हम निकल भी गए। हमें सिर्फ अपना एक आइटम लेना था, सामान लेना था, मतलब एक मेन चीज़ लेनी थी जो वहाँ पे नहीं मिलती है हमारे एरिया में, तो यहाँ पे ले लिया हमने अपना सामान। हम जा रहे हैं घर, तो ऑलमोस्ट जल्दी पहुँच जाएंगे, अगर जाम नहीं मिलता तो फिर हम टाइम से पहुँच जाएंगे। इतनी भीड़ है, वैसे वहाँ पर फ्री में सामान मिल रहा है, सच बात है वहाँ पर फ्री में ही सामान मिल रहा था, 100-100 रुपये में इतना इतना सब कुछ ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ। तो एज मैंने कहा था कि जाम मिल जाएगा और अभी से 5:30 भी नहीं हुए और जाम मिल गया, इतना जाम हो रहा है सड़कों पे पूछो मत। ये तो मैं आ गई हूँ अपने घर एंड बहुत ज़्यादा जाम मिला कसम से, आते हुए हद से ज़्यादा जाम था। और ये जो मम्मी के लिए लेकर आई थी शॉपिंग की, उसकी सारी ग्लिटर लग गई है मेरे कपड़ों पे। मैंने सरोजनी नगर से एक तो पहले मम्मी के लिए एक करवा चौथ का एक सामान लेना था और एक ब्रेसलेट लिया मैंने, ठीक है, और मैंने ये ली, ये वाला चटनी वटनी रखने के लिए, अचार वगैरह रखने के लिए मेनली यूज़ होगी। ये 4 पीसेज है और ये आए हैं 100 रुपये के, तो उस दुकान पर सब कुछ था 100 रुपये। आपको पता है सरोजनी नगर पर सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती हैं और मैं सरोजनी नगर से बहुत ही अवॉइड करती हूँ चीज़ें लेना क्योंकि ज़्यादातर वो ख़राब निकलती हैं, पहनी हुई होती है, यूज़ करी हुई होती है। बट तो वही है ना, कोई चीज़ अट्रैक्टिव लगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। ली, ठीक है, मैंने वहाँ पर चेक नहीं करा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है और इसमें से 2 जो है टूटी हुई है, मैं दिखाती हूँ कौन सी टूटी हुई है। तो एकदम सही है, पर ये वाली ये देखो टूटी हुई है, यहाँ से ये देखो, यहाँ से दिख रहा है ना, ठीक है, और ये तो हद से ज़्यादा टूटा हुआ है इसका, ये चीज़ देखो एकदम टूटी हुई है, मतलब स्कैम हो गया सच्ची में हमारे साथ, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ इसको लेने का। ये दुकान वालों को पता ना हो, हमारी भी गलती है, मैं गिरी करती हूँ कि मतलब ऐसे हो गया हमारे साथ,
क्या फायदा ना इन चीजों का, मतलब दो टूटी हुई निकल गई, थोड़ा अजीब भी लगता है, पैसे वेस्ट हो गए। जो हो गया सो हो गया, अब इस चीज़ पे ज़्यादा चर्चा करने कोई फायदा नहीं है। तो अभी और बज गए हैं 7 और अब करें खाने की तैयारी। तो मम्मी काफ़ी थक गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि उनकी हेल्प कर दूँ, आज मैं कुछ बना दूँ डिनर में। और काफ़ी टाइम हो गया, मेरे को ना कुकिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो बड़ा मज़ा भी आता है करने में। तो करते हैं आज छोले, सोच रही हूँ बनाने की विदाउट अनियन एंड गार्लिक। डिनर हो गया हमारा, हमने खाए छोले जो मैंने बनाए थे। मम्मी बताइए कैसे बने थे, ये ऑनेस्ट रिव्यू देना जैसे मैं देती हूँ। छोले देखो, छोले बताती हूँ मैं आपको। अनियन के बिगर बनाना भी एक बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। मुझे लगा था ग्रेवी शायद थिक नहीं बनेगी, बट फंटास्टिक हो गया। अच्छा बना था ना, सब उंगलियाँ चाटते रह गए, मजे आ गए यार, मजे। थैंक यू। तो अब मैं कर रही हूँ अपनी थंबनेल एडिटिंग, जो मैंने सैटरडे को वीडियो डाली थी कोरियन बबल टी की। आई होप आप लोगों ने देखी होगी। तो अब इसकी एडिटिंग भी कर रही हूँ मैं। इनसे वाईफाई नहीं चला था और कन्नू ना टीवी देख पा रहा था, ना फ़ोन में कुछ खेल पा रहा था, गुमसुम बैठा हुआ था। एंड फाइनली 6 बजे चला है और अब इसने जाके फ़ोन लिया है लाइक 9:30 बजे। मज़ा आ रहा है, सुकून मिल गया। कितना सुकून मिला, बहुत ज़्यादा जी। तो अब हम करते हैं अपनी ब्लॉग को एंड। आज के लिए बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, बहुत भागम दौड़ी हो गई आज सुबह से हमारी। नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि बहुत जल्दी आएगी, तब तक के लिए डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। बाय।